अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रुबीना अब्दुल सत्तार, एम ए सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जे टी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वीमेन, मालेगांव नासिक, क्लास एफ वाई बी ए, सब्जेक्ट ऑप्शनल इंग्लिश। द नेम ऑफ द पेपर इज इनिशिएशन माइनर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड बेसिक्स ऑफ फोनोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द डॉल्स हाउस, written by Catherine Mansfield. The Doll's House is a short story and written by Catherine Mansfield. Let's talk about Catherine Mansfield. Catherine Mansfield Murray was a prominent New Zealand modernist. Catherine Mansfield जो है New Zealand की modernist writer है, short story writer and poet. वो short story writer है and poet है, उसने बहुत सारी short stories and poem लिखी हैं. Who was born and brought up in colonial New Zealand and wrote under the pen name of Catherine Mansfield. उन्होंने Catherine Mansfield जो है colonial New Zealand में परवरिश पाई और उनका जो नेम है under the pen name of Catherine Mansfield, उनका जो full name है Catherine Mansfield Murray है, but वो अपने pen name से लिखा करती थी जो कि है Catherine Mansfield. At the age of 19 की एज में शी लेफ्ट न्यूजीलैंड एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड, वो न्यूजीलैंड को छोड़कर इंग्लैंड में सेटल्ड हो गई. वेयर शी बिकेम अ फ्रेंड ऑफ राइटर्स सच एज डी एच लॉरेंस एंड वर्जीनिया वुल्फ, और वहीं पर उनकी मुलाकात जो है डी एच लॉरेंस एंड वर्जीनिया वुल्फ, ये दोनों हैं जो मॉडर्निस्ट राइटर है, ये मॉडर्न राइटर हैं, उनकी मुलाकात इंग्लैंड में हुई इनसे, डी एच लॉरेंस एंड वर्जीनिया वुल्फ. मैंसफील्ड वॉज डायग्नोज्ड विथ ट्यूबरक्लोसिस इन 1917 में जो है उनको डायग्नोज किया गया कि उनको एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस. द डिसीज क्लेम्ड हर लाइफ एट द एज ऑफ 38, और फिर 38 की एज में उनकी जो बीमारी है वो सामने आई. इसमें द डॉल्स हाउस में कुछ कैरेक्टर है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसमें कैरेक्टर्स हैं कुछ जो कि बर्नेल सिस्टर्स हैं. बर्नेल सिस्टर्स में इंक्लूड हैं इजाबेल, लोटी, केजिया, ये तीन सिस्टर्स हैं, उन्हीं पर बेस्ड स्टोरी है. और जो दूसरी फैमिली है केल्वी सिस्टर्स, ये केल्वी सिस्टर्स में लिल एंड एलसी, ये दो सिस्टर्स हैं जो के केल्वी सिस्टर्स हैं. और बर्नेल सिस्टर्स में थ्री सिस्टर्स हैं जिनके नेम्स हैं इजाबेल, लोटी, केजिया, और केल्वी सिस्टर्स में लिल एंड एलसी है. और एक और कैरेक्टर है यहाँ पर, मेजर कैरेक्टर मिसेज हे, जो के बर्नेल सिस्टर्स को डॉल्स हाउस गिफ्ट में देती है और उसी पे बेस्ड जो हमारी स्टोरी है वो है. दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द स्टोरी इज द डॉल्स हाउस. द डॉल्स हाउस जो है इस शॉर्ट स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, इसीलिए उसके नेम पर ही उसका स्टोरी का नेम रख दिया गया. द डॉल्स हाउस इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड. डॉल्स हाउस एक शॉर्ट स्टोरी है और जिसको लिखा है कैथरीन मैंसफील्ड ने. अबाउट क्लास डिस्टिंक्शन एंड क्लास कन्फ्लिक्ट, ये स्टोरी जो है डॉल्स हाउस, इसमें क्लास डिस्टिंक्शन एंड क्लास कन्फ्लिक्ट, जो क्लास जो होती है, जो स्टेटस होता है सोसाइटी में, उसको लेकर इसमें यहाँ पे बातें हुई हैं कि किस तरीके से जो पुअर एंड रिच के बीच में डिफरेंस होता है सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है, जो डिस्टिंक्शन कर दी जाती है, हाँ, जो क्लास कन्फ्लिक्ट चलता है हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है कि मैं पुअर एंड रिच के बीच में एक कन्फ्लिक्ट होता है, उसी को स्टोरी में प्ले किया गया है बाय द कैथरीन मैंसफील्ड. द डॉल्स हाउस फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1922. डॉल्स हाउस जो है फर्स्ट पब्लिश हुआ 1922 में. एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी इज द डॉल्स हाउस, जो स्टोरी का सेंटर है वो कौन है, डॉल्स हाउस है. दैट मिसेज हे हैज़ गिवन टू द बर्नेल चिल्ड्रन, जो कि मिसेज हे बर्नेल सिस्टर्स उनको दिए हुए हैं, लोटी है, केजिया है, इन लोगों को वो मिसेज हे वो गिफ्ट में देती हैं और उसी पे बेस्ड स्टोरी है. द स्टोरी इज मेनली अबाउट टू फैमिलीज, स्टोरी जो है दो फैमिलीज के बारे में है, एक तो बर्नेल है और दूसरी कौन है, केल्वीज. बर्नेल जो है, बर्नेल्स फैमिली जो है वो रिच फैमिली है, दे बिलोंग फ्रॉम द रिच फैमिली, एंड केल्वीज फैमिली बिलोंग्स फ्रॉम द
poor family. The doll's house is mainly about the doll's house and the rich and poor school girls. The जो the doll's house story है ये किस पे based है? Doll's house and the rich and poor school girls. जो school girls हैं poor and rich like Burnell sisters and Kelby sisters. Burnell sisters are from rich family and Kelby sisters are from पुअर फैमिली, और उन्हीं के बीच में हिस्टोरी को बताया गया है। और ये पुअर ये स्कूल गर्ल्स हैं, ये पांचों जो लड़कियां हैं, पांचों गर्ल्स जो हैं इजाबेल, लोटी, केजिया जो के बर्नेल सिस्टर्स हैं, और लिल एंड एलसी जो के केल्वी सिस्टर्स हैं, ये इन लोगों ये पांचों लड़कियां जो हैं, पांचों गर्ल्स जो हैं वो स्कूल गर्ल्स हैं, और इनके बारे में स्टोरी में दिखाया गया है। द बर्नेल्स आर बिलोंग फ्रॉम रिच फैमिली। बर्नेल्स फैमिली जो है बिलोंग करती है रिच फैमिली से। इजाबेल, लोटी, केजिया आर द स्कूल गर्ल्स फ्रॉम दिस फैमिली। वंस दे गॉट अ बिग डॉल्स हाउस फ्रॉम देयर लविंग आंट मिसेस हे। एक बार उनको डॉल्स हाउस गिफ्ट मिलता है, एज अ गिफ्ट दे गॉट डॉल्स हाउस फ्रॉम लविंग आंट। उनकी जो लविंग आंट होती है मिसेज है, उसकी तरफ से उनको डॉल्स हाउस गिफ्ट में मिलता है। द गर्ल्स आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द हाउस। जो गर्ल्स हैं लोटी, इजाबेल, केजिया, बर्नेल सिस्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं बाय द हाउस, बिकॉज जो हाउस है वो बहुत ही मीन्स उसमें बहुत सारे माइन्यूट चीज़ें होती हैं, और बहुत ही मीन्स उसमें लाइट लैम्प होता है, फ्रेम्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, वो डिफरेंट उसमें एक्सेसरीज जो होती हैं उसकी वजह से वो डॉल्स हाउस जो है वो बहुत ही एलिगेंट दिखता है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। द गर्ल्स हाउस कैप्टिवेटेड बाय द हाउस चीनी एक्सेसरीज। हाउस जो है उसमें टिनी एक्सेसरीज होती हैं, फ्रॉम पेंटिंग्स विद टिनी गोल्ड फ्रेम्स टू अ रियलिस्टिक मिनीएचर लैम्प। इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स होते हैं, रियलिस्टिक मिनीएचर लैम्प्स होते हैं, इसमें लैम्प्स भी होते हैं। दे वांट टू शो द हाउस टू देयर स्कूल फ्रेंड्स। वो केल्वी बर्नेल सिस्टर्स जो हैं वो अपनी जो स्कूल फ्रेंड होती हैं उन लोगों को अपना घर जो डॉल्स हाउस है वो दिखाना चाहते हैं। सो द मिसेज बर्नेल गिव्स परमिशन। तो उसी की वजह से वो अपनी जो मम्मी हैं, उनकी जो मॉम होती है, उनसे वो आस्किंग फॉर द शोइंग द डॉल्स हाउस टू देयर स्कूल फ्रेंड्स। तो मिसेज बर्नेल है जो परमिशन उनको दे देती है। बट शी सेज Not to show it to Kelby's sisters, but वो बोलती है, उनकी मम्मी जो हैं वो बोलती हैं, मिसेज बर्नेल बोलती हैं कि वो किसी को भी दिखा सकते हैं बट केल्विस सिस्टर को नहीं दिखा सकते, बिकॉज दे आर डॉटर्स ऑफ वॉशरमैन एंड दे बिलोंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। वो क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो वॉशरमैन की डॉटर्स हैं एंड दे बिलोंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, और वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट डे दे इनवाइट देयर फ्रेंड टू सी द हाउस। और दूसरे दिन दे इनवाइट जो बर्नेल सिस्टर्स हैं इजाबेल, लोटी, केजिया, वो इनवाइट करती है अपनी स्कूल फ्रेंड्स को टू सी द हाउस, हाउस देखने के लिए। ऑल ऑफ देम सी द हाउस। उनकी जो स्कूल फ्रेंड्स होती है वो सब की सब उनके घर पर आती हैं, और वो घर को जो डॉल्स हाउस है उसको देखती हैं। ओनली द केल्वी सिस्टर लिल एंड एलसी आर नॉट इनवाइटेड एज दे आर पुअर। सिर्फ जो केल्वी सिस्टर्स हैं जो के बर्नेल सिस्टर के साथ ही स्कूल में पढ़ती हैं, सिर्फ उनको इनवाइट नहीं किया जाता है, बिकॉज दे आर फ्रॉम पुअर फैमिली। वन नाइट केजिया सीज द केल्वीज वॉकिंग ऑन द रोड पास्ट द बर्नेल होम एंड इनवाइट्स देम इनटू द कोर्ट यार्ड टू सी द डॉल्स हाउस। एक रात केजिया जो यंगर सिस्टर है, जो बर्नेल सिस्टर्स में सबसे छोटी हैं, सीज द केल्वीज वॉकिंग ऑन द रोड पास्ट द बर्नेल होम। वो केल्वी सिस्टर्स को वहाँ से अपने घर के पास से गुजरते हुए देखती हैं, तो वो उन लोगों को इनवाइट दें अपने घर पर इनवाइट करती हैं टू सी द डॉल्स हाउस। उसको थोड़ा उन लोगों के लिए पिटी फील होता है, सिंपैथी फील होती है, इसीलिए वो उन लोगों को अपने घर पर इनवाइट करती हैं डॉल्स हाउस देखने के लिए। लिल रिफ्यूजेस टू इनविटेशन ट्वाइस। लिल जो है केल्वी सिस्टर में से एक जो लिल है वो रिफ्यूज़ कर देती है
डॉल्स हाउस को देखने के लिए इंसिस्टिंग दैट शी एंड हर सिस्टर हैव बीन टोल्ड टू नॉट गो नियर द बर्नेल गर्ल्स। और वो बताती है, लिल जो है बोलती है कि वो उन लोगों का घर नहीं देख सकते बिकॉज दे आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। केजिया फील्स पिटी फॉर देम। केजिया जो है यंगर सिस्टर फ्रॉम बर्नेल सिस्टर्स फील्स पिटी फॉर देम एंड वॉन्ट टू शो देम हर डॉल्स हाउस। और वो अपना जो घर है उन लोगों को दिखाना चाहती है, वो उन लोगों के लिए पिटी फील करती है। शी ब्रिंग्स देम टू सी द हाउस एंड वो उन लोगों को अपने घर पर लेकर आती है उन लोगों को दिखाने के लिए अपना डॉल्स हाउस। शी कॉल्स देम इन कोर्ट यार्ड एंड दे हार्डली इंटर द यार्ड व्हेन आंट बेरिल केम देयर। और वो उन लोगों को अपने कोर्ट यार्ड में अपने जो सेहन पीछे जो उन लोगों घर का सेहन होता है उसमें बुलाती हैं एंड दे हार्डली इंटर। और जो केल्विस सिस्टर हैं वो हार्डली बमुश्किल उनके यार्ड में इंटर होने ही वाली होती हैं कि आंट बेरिल जो है वो उधर आ जाती हैं और उन लोगों को स्कोल्ड करती हैं एंड ऑर्डर देम टू लीव द हाउस इन एन इंसल्टिंग मैनर। और उन लोगों को ऑर्डर करती हैं कि वो लोग उनके घर से निकल जाएं, बहुत ही इंसल्टिंग मैनर में वो लोगों को अपने घर से निकल जाने को बोलती हैं। केल्विस सिस्टर्स रन अवे फ्रॉम देयर विद द फीलिंग ऑफ शेम बट दे वेयर हैप्पी टू हैव सी द हाउस। बट केल्विस सिस्टर्स जो हैं वहाँ से उनके स्कोल करने पर उनके डांटने पर वहाँ से भाग जाती हैं विद द फीलिंग ऑफ शेम। वो बहुत ही शर्मिंदगी से वहाँ से निकल जाती हैं बट दे वेयर हैप्पी टू हैव सीन द हाउस। बट वो हैप्पी होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि उन लोगों ने एट लास्ट जो डॉल्स हाउस है वो देख लिया, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं कि डॉल्स हाउस उनको भी देखना है बिकॉज दे आर पुअर बैकग्राउंड, वो पुअर फैमिली से होते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं वो ऐसा कुछ लाइफ में अपनी देखे नहीं रहती हैं और इसीलिए वो चाहती थी कि वो डॉल्स हाउस देखें। बट जो बर्नेल सिस्टर्स हैं उन लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, बट केजिया एक दिन उन लोगों को अपने घर पर बुलाकर उन लोगों को दिखा देती है। केल्विस सिस्टर्स स्टैंड्स फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन पीपल। केल्विस सिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, मीन्स वो एक तरीके से यहाँ पे सिंबल हैं फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन पीपल। जो पुअर फैमिली से जो निचले तबके के लोग होते हैं उन लोगों का सिंबलाइज कर रहे हैं। दे आर शोन एज मिजरेबल एंड पिटीएबल गर्ल्स। उन लोगों को इस स्टोरी में पिटीएबल गर्ल्स एंड मिजरेबल गर्ल्स के जैसा दिखाया गया है कि किस तरीके से जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों को कैसी कैसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। सोसाइटी में जो लोग हैं जो कोई अपर क्लास से बिलोंग करता है वो किस तरीके से इन लोगों को ट्रीट करता है। तो यहाँ पे जो केल्विस सिस्टर्स हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट किया है। द पुअर केल्विस आर टीज्ड बाय द गर्ल्स फ्रॉम द रिच फैमिलीज। जो पुअर केल्विस हैं, केल्विस सिस्टर्स हैं लील एंड एलसी, वो ऑल द टाइम टीज्ड होती हैं बाय द गर्ल्स। जो स्कूल गर्ल्स होती हैं उन लोगों की तरफ से उन लोगों को बहुत ज़्यादा सताया जाता है। ऑल द टाइम उन लोगों को टीज किया जाता है। इवन द टीचर्स ट्रीट देम बैडली। इवन जो टीचर्स होते हैं उन लोगों को पढ़ाने वाले, जो टीच करने वाले टीचर्स होते हैं वो भी उन लोगों के साथ बहुत ही बैडली बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं उन लोगों को। जो कि टीचर्स जो हमारे ये सोसाइटी को बनाने में, जो बच्चों की ये है ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो खुद भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में लोगों के नज़रिए हैं, व्यूज़ हैं कि वो अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उन लोगों के साथ किस तरीके से वो लोग पेश आते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के साथ टीचर्स का भी जो रवैया था, जो बिहेवियर था, वो बहुत ही बैड था। दे सिट अवे फ्रॉम द रिच गर्ल्स इन द क्लास एंड एट द टाइम ऑफ ईटिंग इन द स्कूल। जब उन लोगों को क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट जो होती है तो वो लोग जो रिच फैमिलीज से बिलोंग करने वाली लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उन लोगों से बहुत दूर उन लोगों को बैठना पड़ता था। और एट द टाइम ऑफ ईटिंग, जब ब्रेक होता था उस टाइम पे भी उन लोगों को उन रिच फैमिलीज की जो गर्ल्स हैं उन लोगों से दूर हटकर खाना पड़ता था। इन द एंड वी कैन से दैट द राइटर हैज़ ब्यूटिफुली शोन द एटीट्यूड ऑफ द रिच अगेंस्ट द पुअर। यहाँ पे स्टोरी के एंड में हमें जो कैथरीन मैंसफील्ड है राइटर, उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली
तरीके से यहाँ पे रिच फैमिली का, रिच पीपल का एटीट्यूड दिखाया है अगेंस्ट दी पुअर, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ उन लोगों का एटीट्यूड किस तरीके से होता है वो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में प्रेजेंट किया है। इट इज़ द पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ये हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को नरिश करते हैं, उन लोगों को पालते पोसते हैं, उनको एक अच्छी सीख, एक मॉरल उन लोगों को देते हैं, कुछ एथिक्स सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं, बट यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं सारी चीज़ों में, जो कि ये के बर्नेल सिस्टर्स की मॉम जो हैं मिसेस बर्नेल वो उन लोगों को मना कर देती हैं कि ये हाउस जो है डॉल्स हाउस वो केल्विस सिस्टर को नहीं दिखाएंगे बिकॉज दे आर बिलोंग फ्रॉम दी पुअर फैमिली। तो यहाँ पे पेरेंट्स का एटीट्यूड भी दिखाया गया है किस तरीके से लोग अपने बच्चों को प्रोग्रेस करते हैं, उन लोगों को परवरिश देते हैं, उन लोगों को मॉरल वैल्यूज किस तरीके की दे रहे हैं। चिल्ड्रन सच एज केस आर स्कोल्डेड बिकॉज दे आर इनोसेंट एंड कैन नॉट सी द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर। यहाँ पे जो केस गया है यंगर सिस्टर्स और फ्रॉम दी बर्नेल फैमिली, तो वो जो है यंग होने की वजह से इनोसेंस होती है और वो डिफरेंस नहीं देख पाती है रिच एंड पुअर फैमिलीज के बीच में, उसे नहीं पता होता है कि रिच क्या चीज़ है एंड पुअर क्या, और इसीलिए वो थोड़ा पिटी फील करती है उन लोगों से, केल्विस सिस्टर से थोड़ा सिंपैथी फील करती है, और इसीलिए वो उन लोगों को अपने कोर्ट यार्ड में बुलाती है टू सी द डॉल्स हाउस। तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डांट भी सुनने को मिलती है। इट कन्वेज एन आइडिया दैट पेरेंट्स एटीट्यूड इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन एंड डिप्राइव देम ऑफ देयर नेचुरल गुडनेस। यहाँ पे एक आइडिया प्रेजेंट किया है कैथरीन मैंसफील्ड ने के जो पेरेंट्स का एटीट्यूड है वो उनके बच्चों के जो उनकी परवरिश है वो उनके जो नेचुरल गुडनेस होती है उनको नेचुरली उनकी जो गुडनेस होती है उस पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है उनका एटीट्यूड। अगर बच्चे एक अच्छी गुड वे में भी जा रहे होते हैं बट पेरेंट्स का कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है रिगार्डिंग दी पुअर, तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो मिसेस बर्नेल है वो केजिया को डांटती भी और अपनी जो तीनों लड़कियाँ उन लोगों को बोलती हैं कि वो अपना जो डॉल्स हाउस है वो केल्विस सिस्टर्स को नहीं दिखाएंगी। तो यहाँ पे वो एक गलत जो उनका वैल्यूज़ हैं, जो एक मॉरल उन्होंने अपने बच्चों को एक नई एक सीख दी थी, बैड जो नॉलेज दी थी कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को गलत वे पर डाल रही हैं, तो यहाँ पे वो पेरेंट्स का एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है उन अपने बच्चों की परवरिश पर और उनको डिप्राइव कर देता है, उनको महरूम कर देते हैं उनकी नेचुरल जो गुडनेस होती है, जो वो नेचुरली अपने बच्चे जो है वो किस तरीके से होते हैं, कभी लड़ते हैं थोड़ी देर में वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो अपनी जो गुडनेस होती है उसको लॉस्ट कर देते हैं, महरूम हो जाते हैं उन चीज़ों से अगर इस तरीके की सीख पेरेंट्स उन्हें देते हैं तो। इन शॉर्ट इन लाइफ लाइक मैनर कैथरीन टेल्स अस द हिडन वॉइसेस पीपल बिलोंगिंग टू हायर सोसाइटी। इन शॉर्ट यहाँ पे जो हमें एक सीख देखने को मिली, एक लास्ट में मैसेज मिला रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड के, किस तरीके से जो हिडन वॉइसेस होते हैं, जो हिडन वॉइसेस दैट मीन्स बुराइयाँ होती है पीपल में जो बिलोंग करते हैं हायर सोसाइटी में, वो अपने आप को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास वाले बताते हैं, बट उनमें जो कुछ रॉन्ग चीज़ें होती हैं, हिडन वॉइसेस होती हैं, छुपी हुई बुराइयाँ होती हैं, उनको यहाँ पे कैथरीन मैंसफील्ड ने प्रेजेंट किया है इस स्टोरी में द डॉल्स हाउस। तो यहाँ पे हमें ये मैसेज मिला है कि हमें अगर एक सोसाइटी में रहना है तो पुअर एंड रिच का जो डिफरेंस है वो नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे कैथरीन मैंसफील्ड ने उस डिफरेंस को, उस क्लास कंफ्लिक्ट को लेकर यहाँ पे बात की है कि किस तरीके से जो डिफरेंस होता है लोगों में फ्रॉम रिच एंड पुअर फैमिलीज, जो रिच पीपल होते हैं एंड पुअर पीपल होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं वो किस तरीके से पुअर पीपल पर इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी जो है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोगों को
ये देखने को मिला कि डॉल्स हाउस जो है मिसेज हे जो है और मिसेज बर्नेस जो है उन अपनी लड़कियों को जो बर्नेस सिस्टर्स हैं इजाबेल लोटी एंड केसगिया उन लोगों को मना करती हैं कि जो डॉल्स हाउस है वो केल्वी सिस्टर्स को नहीं दिखाएंगे, बट एट लास्ट जो है केल्वी सिस्टर्स लिल एंड एलसी वो डॉल्स हाउस को देख लेती हैं और इस वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करती हैं कि एट लास्ट वो लोग डॉल्स हाउस को देख लिए। तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो फिनिश होती है कि किस तरीके से कैथरीन मैंसफील्ड ने क्लास डिस्क्रिमिनेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट किया है एंड इस तरीके से द डॉल्स हाउस स्टोरी इज फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन आस्क मी। थैंक यू।